हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। ये किन्नर लोगों की चादर है। तो दोस्तों, ये लोग खुशी मना के ही चादर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग में साथ में बने रहिएगा एंड तक। तो दोस्तों, ये लोग आ चुके हैं और नाश्ते करते अपना चादर लेके जाते हैं दरगाह शरीफ में। तो दोस्तों, पूरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा, कट कट करके मत देखिएगा। दोस्तों, बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइस, अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ, ताकि आप, मैंने आज तक किसी को हर्ट नहीं किया है, तो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी बहन समझ के माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। गाइस, ये ज़्यादा अपने से सुंदर समाज की तरफ से आई हुई है, तो आप देख ही सकते हैं।
देख सकते हैं कि यहाँ पे इनों की चादर आ चुकी है। तो ये लोग भी यहाँ स्टेशन से रवाना होंगे वहाँ दरगाह के लिए। दोस्तों आप माइक लगा ले, हाँ जा ले जाना माइक को, माइक का पास ले जाओ। ये ना ये इनके घुमा रही है वाली, वो वाली इनके घुमा रही है। सब के लिए इनके चले नाची चादर लेके आए हैं ये लोग। बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह, जरूर बोल। हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। और नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो आप तक पहुँचते रहे, ताकि आप सारे वीडियो देख सकें। तो दोस्त अजमेर से जुड़ी जानकारी भी देंगे दोस्तों और बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों की आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। थैंक यू दोस्तों, ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। गाइस आप लोग कहाँ से हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ का कौन सा फूड अच्छा है। अभी ये उर्स का मेला ख़त्म हो चुका है तो दोस्तों अब हम निकलने वाले हैं चित्तौड़ की तरफ। आप बताइएगा आप लोग कहाँ से हो कमेंट करके और ये भी बताइएगा कि हमको क्या चीज़ ट्राई करनी चाहिए खाने में। तो दोस्तों ये सब आप लोगों का प्यार है इसीलिए हम लोग बना के ला सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मच दोस्तों।